Hi guys, welcome to Physics Junior Mint. We are going to study about what the real numbers for class. Bolo bhaiya. Class. 10. इसमें हम basics बात कर चुके हैं कि numbers कितने types के होते हैं. कितने types के होते हैं? आप लोगों. कौन कौन से होते हैं? Imaginary numbers. ठीक है? Imaginary numbers क्या होते हैं? बताओ. हाँ सर. The numbers which are squares are negative. वैसे नंबर जिनके जिनके क्या है स्क्वायर क्या हुआ negative है. मतलब मान लो कि अगर एक से स्क्वायर का वैल्यू क्या है लेस देन बोलो जीरो है तो यहाँ पर जो एक्स होगा ना एक्स होगा वो क्या होगा इमेजिनरी नंबर. और यही अगर क्या होता है नॉन नेगेटिव दैट मींस स्क्वायर ऑफ एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो इसे क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा भाई रियल नंबर हो जाएगा. कोई तकलीफ है इसमें? यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा बोलो रियल नंबर. ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ. तो हम लोग तो बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में. हमने उस दिन कहा था कुछ भाई एक क्वेश्चन पहले दिया था एक क्वेश्चन दिया था फिर उसकी बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. और क्वेश्चन क्या था वी हैव थ्री कंटेनर्स वी हैव थ्री कंटेनर्स वन ऑफ 8 लीटर सेकेंड वाज वन ऑफ 5 लीटर एंड थर्ड वन वाज 3 लीटर. इट वाज टोल्ड इन द क्वेश्चन दैट द कंटेनर ऑफ 8 लीटर इज completely filled of what milk and you have to distribute this milk into what 2 parts each of 4 liters. ठीक है भाई. तो how many of you have done this question? 2, 3, 4, 5. rest of the students आता था नहीं बनाया. हाँ आता था इसलिए नहीं बनाया. कोई बात नहीं चले बैठे बैठने के लिए हाथ पर इसे कोई बैठना नहीं. जो लोग बनाए हैं कौन बनाए अनुराग बोलन बनाए अच्छा बोले थे लेकिन गलत जो बनाए थे बट क्या था गलत क्लास के बाद नहीं दिखाते. हाँ सर दिखाते अच्छा. और कोई इधर में आयुष बनाए हैं पूछ लेंगे आपसे कंफर्म करा लेंगे. चलिए आयुष चलो ठीक है. नेक्स्ट स्टेप स्टेप फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड हो गया. अच्छा 3 लीटर 4 लीटर 2 लीटर 0 लीटर. इन्होंने कहा कि 3 लीटर वाले को यहाँ डाल देंगे. यस सर 2 लीटर वाले डाल देंगे 2 लीटर को 3 लीटर में डाल देंगे. ये कितना हो गया 0 ये हो गया 2 लीटर. बढ़िया 6 लीटर से क्या किया 5 लीटर वाले को फुल करें तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1 लीटर और यहाँ कितना बचा भैया
5 लीटर और यहाँ कितना है 2 लीटर. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. क्या लग रहा सही है यहाँ तक? नहीं सही है. अरे ना सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है. अब क्या करेंगे बताओ? आपको समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ आ रही? आ रही आ रही सर. अब 5 लीटर वाले से 6 लीटर लेके क्या रिमार्क दे रहे हो? वेरी गुड. स्टेप 6 में क्या करना है भैया? स्टेप 6 में क्या करना है? ये 8 लीटर वाला 5 लीटर कंटेनर है, यहां कितना 3 लीटर का कंटेनर है. यहां पर देखो, हम इसमें ने कहा, मिस्टर आयुष ने कहा कि 6 स्टेप में क्या करेंगे? ये 1 लीटर है, इसमें से हम इसमें डालेंगे. अब देख लो इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 3 लीटर. एंड इन दिस कंटेनर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ऑलरेडी. यस सर. दैट मींस 1 लीटर इसमें हटेगा और 1 लीटर को रख सकते हैं. सिंपल सा वजह ये तो ये हो गया और वो 1 है ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3. लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3 लीटर को इसमें डाल देंगे, ये हो जाएगा 4 लीटर. देखो मेरा क्या था बैठ जाओ. नहीं सही है, अपना कुछ अलग था क्या? बैठ जाओ. अपना कुछ अलग था क्या? था वो पहले 8 लीटर से 5 लीटर चले गए, 3 लीटर बचा. 5 सॉरी यहाँ कितना हो गया? 3 लीटर 5 लीटर 0 लीटर. बोलो 1 लीटर कैसे डाल रहे बेटा? 1 लीटर चलिए. द कंडीशन वाज व्हाट? नो अदर कंटेनर, नो एक्स्ट्रा मेजरिंग कंटेनर, व्हाट एवर यू हैड उसको यूज करना था क्या? नहीं करना था. यू हैड ओनली यूज दीस 3 कंटेनर्स व्हिच आर ऑफ 8 लीटर्स, 5 लीटर्स एंड 3 लीटर्स आउट ऑफ विच द फर्स्ट कंटेनर दैट मींस ऑफ व्हाट 8 लीटर वॉज कम्प्लीटली फील्ड ऑफ मिल्क. ये था. आप बताओ आपने कुछ अलग है? ये वाला चलो ये वाला अगर था तो सही. अब भैया देखो मान लो कि आयुष जी ये किए स्टेप 1 से कहां तक? स्टेप 7 तक. अब अनुराग भैया उठेंगे और कहेंगे भाई हम भी एक काम करके देखते हैं. विद सिमिलर कंडीशंस, विद द सेम कंडीशंस जो भी करा गया है इन नीचे स्टेप्स अनुराग करे नहीं, निखिल जी कर ले, आप कर ले, आप कर ले, कोई भी इस काम को करेगा भैया, ही और सी विल गेट द सेम रिजल्ट आफ्टर द 7 स्टेप्स. बोलो हाँ कि हाँ. तो मैंने उस दिन दो बातें करी थी कि हम लोग को यहाँ पर दो वर्ड पढ़ना सबसे पहले. द वन वर्ड इज लेम्मा एंड अदर इज एल्गोरिथम. ठीक है भाई, तो लेम्मा क्या था बता दो, कोई बता दो भाई लेम्मा क्या था? प्रूविंग स्टेटमेंट से कोई दूसरे चीज को प्रूव करेंगे. बुक्स पढ़ रहे हो आप? कॉलेज सर की मैथ्स में बुक्स ही पढ़ना होता है क्या? डेफिनेटली पढ़ना होता है. प्रूविंग स्टेटमेंट नहीं, अब प्रूवन स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी क्या है? प्रूव्ड है. या फिर कह सकते हो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ. मैंने पिछले क्लास में कुछ चीजों का जिक्र करा था. क्या था मेरा याद करो, कुछ वर्ड्स थे पोस्टुलेट. पोस्टुलेट जो कि आपने क्लास 9th में देखा है. और दूसरा एक वर्ड था एक्सियम. क्या था भैया एक्सियम? ये क्या याद अगर है चीजें अगर याद है बताइए क्या पोस्टुलेट और एक्सियम बोथ आर द सेम थिंग, बस डिफरेंस कितना था? एक्सियम क्या होता है? ओनली रिलेटेड टू ज्योमेट्री, केवल हम उसका ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं. गलत बोल रहे हैं क्या? कुछ गलत कर खराब बताओ. नहीं सुने क्या? नहीं सुने, आवाज नहीं जा रही है क्या वहां तक? अब आ रही है. अब आ रही है तो बोल दो भाई. शिकारी दिक्कत है बोल लेंगे. हाँ इसे किसको बंद किया है? चलो कोई बात नहीं. पोस्टुलेट और एक्सियम में हमने कहा कि डिफरेंस है. डिफरेंस नहीं, पोस्टुलेट का मतलब अगर सिंपल सा कहा जाए तो इमेजिनेशन. क्या इसका मीनिंग? इमेजिनेशन. लेकिन वैसा नहीं कुछ भी इमेजिन करें, वैसा इमेजिनेशन जिसको जब हम क्या कहो कि
एक्सपेरिमेंट करें, कुछ हमने इमेजिन करा कि ऐसी चीजें हो सकती है, कुछ अगर मुझे बनाना है तो। और उसका जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो वो क्या हुआ, फैक्ट निकला। तो वैसे इमेजिनेशन को जो कि क्या है, फैक्ट हो, कोई तो सोचा होगा ना, जैसे न्यूटन मास सोच लिया क्या कि भाई एप्पल नीचे ही गिरा, तो भाई क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने कहा दिया ऐसा नहीं कि उनसे पहले किसी ने नहीं बताया था, इतने गैलीलियो गैलीली, बट उन्होंने जब बताया था उसको क्या नहीं करा था, फॉर्मुलेट नहीं करा था, उसका एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं करा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर पॉस्टुलेट है, ठीक है आपके मन की इमेजिनेशन जो आपने सोचा वही है, लेकिन जो सोचा वो क्या है, एग्जैक्टली फैक्ट है, तो क्या बन गया, पॉस्टुलेट बन गया। अब पॉस्टुलेट क्या होगा, थ्रू आउट द साइंस कर सकते हो, थ्रू आउट द मैथ्स कर सकते हो, ये यूज होगा। बट एक्सियम जो है मैथमेटिक्स के एक सिंगल पार्ट, जिसको क्या कहते हो, जियोमेट्री कहते हो, इन दैट ओनली यू कैन यूज। जैसे एक्सियम क्या था याद करो, आपने पढ़ा क्या पढ़ा बताओ, एक्सियम कोई भी एक एक्सियम बताओ, कंग्रेंसी पर, कंग्रेंट चैनल्स पर आपने, कंग्रेंट चैनल्स में जो क्या था, कंडीशन फॉर कंग्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसमें आपने फर्स्ट जो थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम वेट कर लीजिए, वो रहा होगा साइड इंटरसेक्ट, आपको थ्योरम फर्स्ट के फॉर्म में मिला होगा, लेकिन ये थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम नहीं है, इट्स एन एक्सियम। ये क्या है, एक्सियम है, मतलब क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और इसका यूज, अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज फर्दर यूज to prove other statements, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम है। पॉस्टुलेट क्या है, ये सारे जगह यूज होगा, इसलिए भी वही है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि सन तो फिक्स है, सन अपने पोजिशन में क्या फिक्स है, अर्थ क्या है, उसको रिवॉल्व कर रही है, तो ये तो तुम कहे तो नहीं ना होगा, ये होता है, टू प्लस टू कितना होता है, फोर होता है, आप कहते ना टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर क्या बनाता है, चार बनाता है, ये सही है कि गलत है, ये सही है ना भाई, ये क्या हो जाएगा, पॉस्टुलेट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, आवाज आनी चाहिए, हाँ अगर पढ़े हैं सीखे हैं आवाज आनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत बात है, पढ़ने कोई फायदा नहीं। उसी तरह से ये क्या था, एक्सियम था, इसमें बेस्ड हमने एक ये करा हुआ था, एंगल साइड एंगल क्या था, सारे तरफ वाले इसी तरह यूज करे थे, और एंगल साइड एंगल जो था कंडीशन क्राइटेरिया वो क्या था भैया, थ्योरम था, क्या था, थ्योरम था। और इससे एक और याद करो, जो सेवेंथ में नहीं यूज करा था एंगल एंगल साइन, सेवेंथ में रेस्ट्रिक्टेड था, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्ट करना होता इस कंडीशन पे, बट नाइन्थ में जब आपने बनाया चैप्टर कन्वर्ट ट्रायंगल्स, तो वहां पर डायरेक्टली उसको यूज किए थे, कौन था वो, एंगल एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोलरी का, क्या कहते हैं वो, कोरोलरी का, ये क्या कंक्लूडेड डिड्यूस, अगर कोई थ्योरम उससे हम कोई अगर रिजल्ट डिड्यूस करते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉरोलरी होता है, वो क्या होता है, कॉरोलरी होता है। देखिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा पहले आएंगे, एक होता है सेंटेंस और एक होता है स्टेटमेंट, व्हाट सेंटेंस एंड अदर इज स्टेटमेंट। सेंटेंस आप जानते हो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली भैया जो मीनिंगफुल सेंस दे उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस का सेंटेंस, जो दो सेंटेंसेस विच कैन बी जज एज ट्रू और फॉल्स, जिसको हम सही और गलत क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दो जर नोन एज स्टेटमेंट्स, उनको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। और इन स्टेटमेंट्स को दो पार्ट्स में ब्रेकआउट करा गया, वन इज एक्सियम एंड वन इज थ्योरम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, तब उसका यूज दूसरे को प्रूफ करने में होगा। और ये क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट नहीं है, इट रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड, इसको रिक्वायरमेंट है प्रूफ की।
सकती है या फिर आप कहो इसे प्रूफ आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लेमा भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम फर्दर क्या करते हैं, प्रूफ करने में करते हैं, ये कर सकते हो या फिर लैटरल फैक्ट किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में करते हैं। अब लेम्मा एक सिंगल सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और जो ये एल्गोरिथम है ना, जो एल्गोरिथम है वो क्या हो गया, स्टेप्स हो गए। अरे भाई कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन करें ना, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें बताओ, स्टेप्स था। अब मान लो कि आपने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर का कंस्ट्रक्शन कर लिया कुछ स्टेप्स में, मान लो कि 6-7 स्टेप्स थे, और उन स्टेप्स को इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर को दूसरा पर्सन अगर फॉलो करेगा, ही और सी विल गेट द सेम ज्योमेट्रिकल फिगर एज यू, जो आपको मिला था, जो आपने कंस्ट्रक्ट करा था वही ज्योमेट्रिकल फिगर फिर से उसे भी मिलेगा। इसमें कोई तकलीफ है? चलिए एल्गोरिथम क्या है बताओ, और सीरीज ऑफ क्या हो सकता है, कह सकते हैं ये कितने स्टेप्स का सीरीज था अपने पास, 7 स्टेप्स का था, कितने स्टेप्स का था, 7 स्टेप्स का था, और सीरीज ऑफ स्टेप्स विच गिव्स व्हाट टू सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ना भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है, घर पे पढ़ना पड़ेगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हो विच गिव्स द टेक्निक। उस दिन भी हम बोले थे PST एक वर्ड यूज किए थे और उसके बाद ही ये क्वेश्चन दिए थे, PST फुल फॉर्म बता, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो तुम बोले वो नहीं, जो भी कुछ से कुछ आवाज आया है वो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये जो हमारा एल्गोरिथम वो क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स, क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स कह सकते हो, स्टेप्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ टेक्निक टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से, लिखेंगे लेम्मा, लेम्मा का स्टेटमेंट बता दो, लेम्मा का डेफिनेशन बता दो, जरा एनसीईआरटी बुक है क्या किसी के पास, सर क्या बोले, एनसीईआरटी बुक है, अरे सर लेम्मा के पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी लेम्मा के प्रूफ स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग वही हम भी बोले, ऐसा कुछ नहीं, अलग बोले वही लेम्मा के प्रूफ लिखोगे, लिखोगे ठीक है, हां लिखो, अ प्रूवन स्टेटमेंट, a proven statement, a proven statement, likho ya proven, a proven statement, yes sir, which is further used to, which is further used to prove another statements, ठीक है। लेम्मा इज नथिंग बट अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज फर्दर यूज्ड टू, विच इज फर्दर यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसको हम क्या कह दिए, लेम्मा कह दिया, और उसके जस्ट नीचे लिखेंगे एल्गोरिथम, ये क्या बताया है, लिखोगे अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ टेक्निक, या फिर द टेक्निक, द टेक्निक, द टेक्निक टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम,
उसका सिर्फ फोड़ने का मन कर रहा बउआ मन कर रहा फोड़ना नहीं तुम संगीत दीजिए मत को लिखो अपना यार है दूसरे से डिस्टर्ब हो आदत खराब है तो आदत को बदलो खराब आदतों को छोड़ो चलो है हो गया बउआ घूम आ गए क्या लिखे A series of well-defined steps which gives us or technique या फिर the technique to solve any kind of problem. ठीक है अब देखो भाई ऐसा नहीं है कि यूक्लिड महाशय आए तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का फॉर्मेशन हुआ आप ऑलरेडी इसको जानते हो करते आए हो लिखोगे थोड़ा डिवीजन एल्गोरिथम जो बचपन से करते आए डिवीजन एल्गोरिथम क्या था बताओ क्या था याद है बचपन की याद है क्या था डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर प्रीवियस क्लास में दो चीजें बात करी थी दो चीजों की बात करी थी इसमें क्या था बताओ आप भी क्या था द फर्स्ट वन ध्यान से मेरी बात सुनोगे इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय एन किसी भी नंबर को अगर आप एन से डिवाइड करते हो एन क्या है नेचुरल नंबर वन से लेकर के इनफाइनाइट तक तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे व्हाट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो क्या होगा एन इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय एन देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स हमेशा क्या होता है एन कौन कौन सा होगा विच आर जीरो वन टू डॉट 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 एन माइनस वन में लिखे दैट मीन्स अगर फाइव से किसी को डिवाइड करते हो किसी नंबर को आप कितने से डिवाइड करते हो फाइव से डिवाइड करते हो सोच करके देखो जैसे 20 को डिवाइड करा 20 क्या हो गया 30 को फाइव से डिवाइड करो फाइव फोर जाए 20 रिमाइंडर क्या है जीरो रिमाइंडर क्या है That means you can write 20 equals 5 multiplied 4 plus. बोलो हाँ. अरे मुझे दिक्कत है. नो सर. है तो दिक्कत. नहीं सर. 21 को डिवाइड. क्या क्या भैया? 21 को डिवाइड करो आपने 5 multiplied 4 क्या दिया हमें? 20. When subtracted from 21 we get 1. That means you can say 21 can be written as 5 multiplied 4. Plus 5 multiplied 4 plus 1 5 multiplied 4 plus 20 नेक्स्ट नंबर कौन है अपने पास बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा 25 5 से डिवाइड करो क्या होगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा अगेन यू विल गेट द रिमाइंडर एज जीरो लड्डू क्या भाई लड्डू तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी थी या फिर है वो क्या क्या जीरो वन यहाँ पर क्या आया 2, 3 एंड here 4 एक तो आया 0, 1, 2, 3 एंड 4 काउंट करो कितना आया
कितना आया, 5 ही ना आया। दूसरी बात, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गया 0 से कितना होगा, जो डिवाइजर है ना उससे 1, उससे 1 लेस, क्या होगा 1 लेस होगा। और सिमिलरली इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या है, 4 आया है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या है, 4 है। दैट मींस ये जो 4 है वो क्या 5 - 1 है, 5 - 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, n माइनस 1 होगा, डिवाइजर माइनस 1 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बताओ इसी को ही जनाब फिलहाल तो हम लिख रहे हैं, हम इसी का यूज करके लिखे हैं। ये सारे केसेस पे आप देखो इन ऑल द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने इसका यूज करा है कि नहीं करा, इस डिवीजन एल्गोरिथम जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो उसका यूज करा है आपने। भैया क्या यूज करा, यहाँ पे 20 था डिविडेंड, उसको आपने लिखा क्या, डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो इसका कितना था 0 था। अगर हम थर्ड केस को देखें, फोर्थ केस को देखते हैं, यहाँ पर देखिए 23 + 5 - 4 + रिमाइंडर कितना था इसका, इसका 3। तो आप तो उसको अब बचपन से यूज करते आ रहे, जब से आपने डिवीजन सीखा तब से इसको यूज करते आ रहा, कुछ नया है नहीं। तो पहले देखो क्या होता है कि ये जो चैप्टर है ना अपना रियल नंबर, क्यों हम बार बार चीजों को हम रिकॉग्नाइज कराना, मतलब दोबारा कराना चाह रहे, क्यों कराना चाह रहे, चैप्टर ये जो है थोड़ा सा जब प्रूफ करने चलेंगे हम चीजों को, अभी नहीं बालक से जो करो ना लगा रहे या कहा ये क्या, ये तो बहुत ईजी है, क्या है बहुत ईजी एग्जाम का। देखिए भाई जब सेकंड एक्सरसाइज आओगे चीजें कुछ बदल जाएंगी, अभी हमने नंबर्स पढ़ाया, नंबर्स का कैटेगराइजेशन नहीं कराया अभी, क्योंकि हमें कुछ एक्सरसाइज कराना था, कुछ काम कराना था, चैप्टर फिर से रीस्टार्टिंग करेंगे 1 तारीख से, हम चैप्टर सारे रीस्टार्ट करेंगे, शुरू से कंटेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, शुरू से सारे कंटेंट्स को पढ़ेंगे। इसका नहीं करो, इसका नहीं करो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। भाई देखो आज ये फर्स्ट ईयर आया ना, वही फर्स्ट ईयर आया हुआ, ये बग बीच में थर्ड ईयर, चलो थर्ड ईयर मेरे क्लास से फर्स्ट ईयर लास्ट सॉ इंटरनेट में डाटा कितने देर तेज आया है, इधर के दो बच्चे ना इसमें नहीं आए हैं, कल आएगी। तो जब तक सबका एडमिशन नहीं कन्फर्म हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। हाँ एक टाइम जो क्लासेस होंगी उसमें वो नहीं होगा कि कौन कब आया, अब वो उसका छूटा सो छूटा अभी नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा हमारा, सुन लो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ये हो। अब इसी को क्या कहें, यूक्लिड महाशय, कौन महाशय, यूक्लिड महाशय कौन भाई, इन्होंने कहा कि अगर कोई नंबर है आपके पास, दो नंबर है आपके पास ए और बी, व्हाट मान लो ए और बी इस तरह से कि वहां पर दो और होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, एकदम साइलेंट मोड में रहोगे कोई आवाज नहीं, थैंक यू।